सामान चाहिए, घर का हाउस नंबर जो एड्रेस है उसके साथ जो सामान चाहिए, लिस्ट बनाओ पहले, पहले लिस्ट बना दीजिए, उसके बाद वो लिस्ट यहाँ पे हमारे लोग हैं ना, पुलिस के लोग हैं, कलेक्टर के लोग हैं, आप अभी लिस्ट तैयार करके देंगे, हमारे तीन अधिकारी यहाँ रहेंगे आपके साथ, आप तैयार करके दो दो घंटे के अंदर और आज शाम तक वो सब कुछ यहाँ दिया जाएगा आप सब लोगों को। अभी दूध इधर बेचने के लिए आता है समझो, हाँ अभी हमारे घर में तो रेशन नहीं है, लॉकडाउन तो वो मंगूर में हुआ, हाँ वो मंगूर में हुआ तो ये मंगूर बंद किया, हम लोग को खाने का क्या, इधर अभी कुछ भी नहीं हमारे घर पे खाने के लिए। एक बार जाले हेल्थ सेक्रेटरी पुलिस हायर अप करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी मांगरा दे केम दे हैड अ लुक एट द सिचुएशन, दे एंटर्ड द कंटेनमेंट जोन ऑल्सो, भर गए प्रॉब्लम्स आए लोक उलये एक बार जाले एंड प्रैक्टिकली हिंगा सिचुएशन मांगरान कि आज मोबान ये कलेक्टर हेजे पयली एक पाटी येल्लो साउथ गोवा कलेक्टर येल्लो, आज टुडे द फूल टीम केम ये चेकटा थिंगा व्हडल्या मांगरान एक बारीकसो इश्यू जो थिंगाय लोक मात्शे भेजेले तेंकां आजून तेंचे रेशन पावंक ना, फूल रेशन पावंक ना, आखी एरियाक रेशन पावंक ना, सो तेंचे कितें इश्यूज आसले ते डिस्कस केले, ते डिस्कस विथ द हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी हेज गिवन सर्टन अशोरंसीस म्हळ्यार आयज सांजे पर्यंत सगळे तेंचे इश्यूज सॉल्व जातले म्हण अशें अशोरंस दिला। आमचें एक म्हणणें आसा की ती जी एरिया व्हडली मंगोर जी एरिया म्हणल्यार ऑपोजीट गुरुद्वारा ती एरिया कंटेनमेंट झोनान आजुनूय थिंगा एक टेस्टींग जावंक ना, थिंगा लोकांची कांय कंप्लेंटी ना अबाउट एनीबडी बीन पॉझिटिव्ह ऑर एनीथिंग, सो आमचे एमएलए जो आहे ही सेड ही स्पीक कालोसान म्हणला ही स्पीक टू द सीएम अबाउट रिमूव्हिंग दॅट एरिया फ्रॉम द कंटेनमेंट झोन, दॅट इज वन ऑफ द सोल्युशन्स इफ दॅट एरिया इज रिमूव्ह बिकॉज दॅट दोज पीपल आर अननेसेसरी सफरिंग, दॅर इज नो पॉझिटिव्ह केसीस ओवर देर फॉर अ मिस्टेक ऑफ दिस साईड ऑफ कंट्री। आयज आयज सकाळसून किती प्रोसिजर किती केला आयज? आयज सकाळी म्हणल्यार ओपीडी हे दिसांनी चालूच आहा, एक ओपीडी हिंगा चालू जाली, आता सद्याक एक डिसिजन जाला ते म्हणल्यार एमईएसा भितर एमईएस नियर नाविकर फ्लॅट थिंगा एमईएसचो एक जागो आहा, इनसाईड दॅट आयज म्युन्सिपालिटीन ते आख्खो साफ करून दिलो तेंकां, थिंगा ओपीडी आयज फस्ट डे थिंगा चालू जाली, नाल्या इतली दीस ओपीडी कृष्णा डेरी आहा पळय थिंगा चालू जाता थिंगा आसताली, टुडे ओपीडी हॅपन्ड ओवर देर फस्ट फॉर वन एन हाफ आर, एक साडे धांक म्हळ्यार एक चालू जाल्लें एज एवरीडे, थिंगा टेस्टींगूय चालू आहा, टेस्टींग म्हळ्यार टेस्टींग ओन्ली फॉर पिपल अबाव 55 इयर्स बिलो 5 इयर्स एंड प्रेग्नंट वुमन एंड एनीबडी हू हॅज फिवर, सो दीस दॅट टेस्टींग वॉज गोईंग ऑन, थिंगासून मागीर ते हिंगा गुरुद्वारा ऑपोजीट
प्रगती बिल्डिंग ऑपोजीट थी ओपीडी एक अर्देवार एंड सगले ऑफिशियल्स दे चेकटा वॉट इज द सीन दे आर हैप्पी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मंगोर आई एम हैप्पी दैट द ऑफिशियल्स केम टुडे दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल आई होप The problems are sorted out as soon as possible. Yeah, what do you request for the authorities? Like containment zone, facilities, other areas? As far as containment zone is concerned, there are two areas under the containment zone. This side of Mangur slum area and that side of the slum area. Meaning from Varnapuri gate up to MES and then from the bullet showroom right up to Navalkar Press, Ambai Temple. Our MLA and us as councillors, they are requesting, and the locals over there of the area opposite the Gurudwara, they are asking that they be removed from the containment zone because unnecessarily they are suffering. There is no testing done there till date. There is not one case that is reported from there till date. If the barricades are moved from Varnapuri gate up to MES near bullet showroom over there, because that area is completely developed, at least that area would be free to move out from that side and continue with their daily.